अमेरिका इन दिनों बर्फीले तूफान के प्रकोप से त्रस्त है, जिसके चलते आम जनजीवन भयंकर रूप से बाधित हो गया है। न्यू जर्सी में 30 इंच बर्फ तो न्यूयॉर्क में 17 इंच बर्फ गिरने के समाचार मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 2000 उड़ाने भी रद्द कर दी गई है। इस तूफान के चलते करीब 700 वाहन भी आपस में टकरा गए हैं। वैसे अभी 2 इंच प्रति घंटे की बर्फबारी चल रही है, पर मौसम विभाग ने तूफान ज्यादा खतरनाक होने की चेतावनी भी दी है। अगर ऐसा सच हुआ तो परिस्थिति और परिणाम गंभीर हो सकते हैं।